हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वोकैबुलरी विद श्वेता। थैंक यू फॉर क्लिकिंग माय वीडियो। इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन उनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही कॉमन वर्ड है TWO2। टू मीन्स बहुत अधिक और टू मीन्स भी होता है। सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द। बहुत अधिक का समानार्थी एक्सेस और भी का समानार्थी आल्सो। लेट्स अंडरस्टैंड बाय दीज सेंटेंसेस। राहुल पुट्स टू मच शुगर इन हिज टी। राहुल अपनी चाय में बहुत अधिक चीनी डालता है। यहाँ टू को बहुत अधिक के अर्थ में यूज किया गया है। कैन यू स्पीक इंग्लिश टू? क्या आप अंग्रेजी भी बोल सकते हैं? यहाँ टू को भी के अर्थ में यूज किया गया है। डू यू थिंक आई टॉक टू मच? क्या आपको लगता है कि मैं बहुत अधिक बात करता हूँ? आर यू गोइंग टू? क्या आप भी जा रहे हैं? ईटिंग टू मच मे लीड टू सिकनेस। बहुत अधिक खाने से बीमारी हो सकती है। शी बॉट द डिक्शनरी टू। उसने शब्दकोश भी खरीदा। डोंट रिलाई टू मच ऑन अदर्स। दूसरों पर बहुत अधिक भरोसा ना करें। रोहित ईट्स टू मच जंक फूड। रोहित बहुत अधिक जंक फूड खाता है। डोंट जस्ट ईट फिश, ईट फ्रूट्स टू। सिर्फ मछली मत खाओ, फल भी खाओ। तो इस तरह से टू के दो अर्थ हुए, बहुत अधिक और भी। मैंने इन सेंटेंसेस को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, अगर आप चाहें तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। अब आप टू से रिलेटेड एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे न केवल आपको टू का अर्थ याद रहेगा, बल्कि इसे कैसे सेंटेंस में यूज करें ये भी सीखने का मौका मिलेगा। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर मोर वोकैबुलरी। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।